इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे जो अपकमिंग टॉपिक्स में है, प्लस इस चैप्टर में जो आगे कंसेप्ट आने वाले हैं बहुत ज़्यादा यूज होता है, एंड दैट टर्मिनोलॉजी इज रैशनल कंज्यूमर। प्रीवियस लेसन में हमने डिस्कशन किया था दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर वो होता है वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। अपने सेटिस्फैक्शन के लिए जो बंदा मार्केट से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है वो बंदा कंज्यूमर कहलाता है। अब कंज्यूमर का प्राइमरी एंड होल एंड सोल मोटिव होता है टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। वो बंदा अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करना चाहता है। कोई भी बंदा होगा, अगर आप मार्केट में कोई भी कमोडिटी परचेज करने जाते हैं तो होल एंड सोल रीज़न फॉर परचेजिंग इज टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन। आप अपना सेटिस्फैक्शन जो उस कमोडिटी से आपको मिल रहा है वही आप मार्केट से परचेज करेंगे। इसके बाद एक यूटिलिटी कंसेप्ट आएगा, उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि भाई जिन कमोडिटी से हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता हम एक्चुअली कमोडिटी में इन्वेस्ट उस कमोडिटी का हम कोई एक्सपेंस करते हैं। मीन्स हमें उन्हीं कमोडिटी को मार्केट से परचेज करेंगे जिससे हमें एक्चुअली सेटिस्फैक्शन, हमें यूटिलिटी रिसीव होगी। फाइन, तो जब कंज्यूमर मार्केट में कोई प्रोडक्ट परचेस करता है तो वो रैशनल वे में एक्ट करता है और रैशनल डिसीजंस लेता है। मीन्स वन हु स्पेंड्स मनी वाइजली, ये बंदा रैशनल कंज्यूमर को होगा जो वन हु स्पेंड्स मनी वाइजली। अब ये बोल रहा है कि वन हु स्पेंड्स मनी वाइजली, एक बंदा जो अकलमंदी के साथ में मार्केट में अपना पैसा खर्च करेगा। अब बंदा अकलमंदी के साथ में मार्केट में खर्च करने वाला वही बंदा होगा कि अगर उसके पास दो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई, और दोनों की प्राइस फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ है, तो ये बंदा उस जगह पर अपना 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, 100 रुपीज़ खर्च करेगा जहाँ से उसको यूटिलिटी और जिस जगह से उसको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है। से फॉर एग्जाम्पल उसको प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई में से प्रोडक्ट वाई से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। भाई नेचुरली सेटिस्फैक्शन इज प्योरली अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट और ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक्चुअली किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर आप भूखे हो और आपको 100 रुपीज़ में एक थाली मिल रही है और 100 रुपीज़ में एक आइसक्रीम मिल रही है तो नेचुरली आप इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो कोई भी रैशनल कंज्यूमर होगा वो इस पर इन्वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि अभी उसको जो सेटिस्फैक्शन रिसीव होने वाला है आउट ऑफ दिस 100 रुपीज़, तो वो कहाँ से रिसीव होगा? थाली से, क्योंकि अभी वो भूखा है। आइसक्रीम डेजर्ट्स के काम में आती है, लंच डिनर के बाद में या मील के बाद में यूज होती है, तो अभी उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है फ्रॉम फूड, फ्रॉम थाली, तो वो बंदा कहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करेगा? थाली में। कोई भी बंदा जो रैशनल वे में एक्ट करता है और रैशनल वे में अपना मनी स्पेंड करता है ऐसी जगह पर मनी स्पेंड करेगा जहाँ से उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन रिसीव हो, वाइजली स्पेंड करेगा, तो ही इज नोन एज रैशनल कंज्यूमर। ये बंदा ऐसा होता है, रैशनल कंज्यूमर की डेफिनेशन और बोल सकते हैं उसमें कि वन हु वर्क्स फॉर हिज सेल्फ इंटरेस्ट। मीन्स ऐसा बंदा जो अपने बोल सकते हैं सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा हो, दूसरों का इंटरेस्ट उसके लिए सेकेंडरी हो। भाई जब आप मनी स्पेंड करोगे तो नेचुरली आप अपना इंटरेस्ट प्रायोरिटी पर रखोगे। भाई से फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक कमोडिटी अवेलेबल है, आपको एक शू परचेज करना है और शू आपने अपने आसपास की किसी मार्केट में या किसी फॉर एग्जाम्पल एडिडास पर सुना, और इस एडिडास के शू के लिए उसने देखा कि भाई MRP ऑफ एडिडास शू इन नियरेस्ट आउटलेट इज ₹5,000 और 5,000 का शू 20% डिस्काउंट पर आपको रिसीव हो रहा है 4,000 डिस्काउंट। अब इस बंदे ने कहा कि भाई मैं एक बार चेक कर लूँ, क्योंकि ये रैशनल कंज्यूमर है और अपना मनी को वाइजली स्पेंड करेगा। उसने बोला कि इसी सेम शू को मैं ऑनलाइन किसी दूसरी फ्लिपकार्ट माइंत्रा इसके ऊपर मैं एक बार चेक कर लूँगा। इस बंदे ने जब उसको चेक किया तो सेम MRP की आइटम अवेलेबल थी 40% डिस्काउंट। अब 40% ऑफ 5,000 इज ₹2,000, मीन्स दिस शू इज अवेलेबल एट अ प्राइस ऑफ ₹3,000। तो बींग अ रैशनल कंज्यूमर, सेम प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट एक जगह से आपको 4,000 रुपीज़ में रिसीव हो रहा है और एक जगह से 3,000 में रिसीव हो रहा है नेचुरली। और बस ये फर्क है कि यहाँ पर आपको एक दो दिन वेट करना पड़ेगा और यहाँ ऑन द स्पॉट डिलीवरी होगी, बट स्टिल आप 1,000 रुपीज़ को सेव करने के लिए, बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर, आप 1,000 रुपीज़ को सेव करने के लिए आप 2 से 3 दिन रुक जाते हैं। हम रैशनल कंज्यूमर हैं इसलिए हमें मार्केट में जितने भी डिस्काउंट ऑफर्स आते हैं वो हमें अट्रैक्ट करते हैं।
मीन्स अगर कोई कमोडिटी प्योर एमआरपी पर मिल रही है और वही कमोडिटी अगर आपको डिस्काउंट पर मिलेगी तो बंदा डिस्काउंट पर लेना पसंद करता है। जितने भी डिस्काउंट ऑफर सक्सेसफुल हो रहे हैं तो वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि जितने भी कंज्यूमर्स मार्केट में हैं दे आर रैशनल कंज्यूमर्स। कंज्यूमर पहले अपनी प्रायोरिटी देखता है, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी डिमांड देखता है और अपनी डिमांड के अकॉर्डिंगली वो वहाँ पर स्पेंड करेगा जहाँ से उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन रिसीव होता है। तो जो बंदा अपना मनी वाइजली स्पेंड करे, जिसको जो रैशनल वे में एक्ट करे और जो सेल्फ इंटरेस्ट में एक्ट करे, जिस वो वहाँ पर स्पेंड करे जहाँ से उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन रिसीव हो रहा है, ऐसा बंदा रैशनल कंज्यूमर कहलाता है। और ये रैशनल कंज्यूमर का कंसेप्ट आगे जो आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिसीजन जो होते हैं, चाहे वो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हो, चाहे वो यूटिलिटी अप्रोच हो, यूटिलिटी अप्रोच बोले या इंडिफरेंस कर्व अप्रोच बोले, हर जगह पर जब आप एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्ट्राइक करोगे तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बैकग्राउंड के अंदर रैशनल कंज्यूमर का कंसेप्ट रिस्पॉन्सिबल होगा। वो हमें उसको ध्यान रख करके काम करना पड़ेगा। दैट्स वाई कंसेप्ट ऑफ रैशनल कंज्यूमर इज इम्पॉर्टेंट। रैशनल कंज्यूमर मीन्स वन हु स्पेंड्स मनी वाइजली, जहाँ उसके रिक्वायरमेंट ज़्यादा, जहाँ से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ज़्यादा, वो बंदा उस जगह पर मनी को स्पेंड करता है।